बिग बॉस आपने किया, बहुत धमाका मचाया, धमाल मचाया वहाँ। क्या आपको लगता है कि बिग बॉस करने के बाद लोगों का जो नज़रिया है वो आपके प्रति बदला है? कुछ का और कुछ अभी भी रह गए हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि मेहनत इतनी शांति से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। तो किसी के कहने से जो दो चार लोग हैं, और बेसिकली वो ही लोग बोलते हैं जिनके घर में कोई इज्जत नहीं होती, वही बैठ के कमेंट में लगे रहते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, जो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी के कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं ऐसे ही लगी रहूँगी और उनको जवाब मैं अपने काम से दूंगी, क्योंकि मुंह मेरे को उनके साथ गंदा नहीं करना है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं, कई आपके ऐसे क्रिटिसाइजर्स भी हैं, आलोचक भी हैं, जो मुंबई में रहते हैं, बॉलीवुड में रहते हैं। अब आपके लिए दरवाजे बॉलीवुड के भी खुल रहे हैं। आपका क्या इरादा है, क्या मतलब आपका प्लान है बॉलीवुड को लेकर के? देखिए, मेरा प्लान है, मैं चाहती हूँ, काम शुरुआत जब की थी तो कोई जहन में ही नहीं था बॉलीवुड का नाम। तो मैं चाहती थी कि हरियाणा उठे, क्योंकि हरियाणा बेसिकली उस वक्त, मैं यूँ नहीं कहूँगी पीछे था, लेकिन उस सिचुएशन पे था जिस वक्त उनके गाने ऐसे हुआ करते थे कि कोई सुन के पसंद नहीं था। अगर गाने अच्छे हुआ करते तो वीडियोज़ अच्छी नहीं होते थे, और वीडियो अच्छी हुआ करते थे तो गाने अच्छे नहीं होते थे। तो मेरा फोकस उस तरफ था, लेकिन स्टेज परफॉर्मर बनते 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 मैं फिर मॉडल बनी, और हर एक कदम के पीछे ऑडियंस का कम हाथ है, और जो मुझे पसंद नहीं करते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। हर एक किसी की कामयाबी में वैसे उन्हीं लोगों का बड़ा हाथ होता है जो पसंद नहीं करते। जब मैंने शुरुआत की, मैंने स्टेज परफॉर्मेंस शुरू की, तो मैं दूसरों के गाने पे शोज़ किया करती थी। हरियाणा के ही कुछ गाने थे जो मैंने हिट किए, सॉलिड बॉडी था उनमें से एक। तो मुझे उड़ती उड़ती खबर आती थी कि जो इनके सिंगर हैं, मॉडल हैं, वो कहा करते थे, क्या है, एक नाचने वाली तो है, मेरे गानों पे ही तो नाचती है। तो उनकी जो छोटी छोटी बातें थी ना, वो के तो दिमाग में घुसा करती थी और के सीधा दिल में घुसा करती थी। तो मैंने कहा कि आज के बाद किसी के गाने पे परफॉर्म ही नहीं करना, परफॉर्म करूँगी अपने गानों को लेकर, अपने गाने बनाऊँगी जो मुझे शायद कोई ये कहने वाला ना हो कि क्या है, सिर्फ नाचने वाली तो है, अपने गानों पे परफॉर्म करूँगी तो किसी का हिम्मत तो नहीं होगा मुझे बोलने का। ये हरियाणा की छोरी। ये बताइए कि बिग बॉस में होली वाले दिन वो कौन कंटेस्टेंट हो सकता है जिसे आप गले लगाना चाहेंगी, क्योंकि होली पर तो गिले शिकवे मिट जाते हैं, और सबका यहाँ लाल रंग भी है, तो साथ में वो प्यार का लाल रंग भी आप लगाएंगे। गिले शिकवे तो मेरे किसी के साथ नहीं है, तो मैं मिटाऊं क्यों? भाई ऐसा तो नहीं है, अभी आपने कुछ लोगों के बारे में कहा कि जो आपको गालियां देते हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं, ऐसे बिग बॉस में भी लोग रहे, हमने भी देखा, तो कौन उनमें से ऐसा है जिसको आप माफ करके गले लगाना चाहते हैं? मैंने तो सभी को माफ किया है, जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। ऐसा मत बोलिए, सब गले लगने आ जाएंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं लगाऊंगी, और शायद वो बाहर से लगाए लेकिन मैं दिल से लगाऊंगी। शिखा जी, मतलब ये केवल डांसर अच्छी नहीं है, सिंगर अच्छी नहीं, बातें भी बहुत अच्छी करती है। मैंने कई सेलिब्रिटी देखे, अब तो आप सपना सेलिब्रिटी बन गई हैं, तो कह सकता हूँ कि मैंने कई सेलिब्रिटी देखे जो परफॉर्मर अच्छे हैं लेकिन बात अच्छी नहीं कर पाते। आप तो बड़ा अच्छा सेलिब्रिटी नहीं, मैं ओके ओके हूं। ओके ओके, ये तो खैर आपके फैंस बताएंगे क्यों, अगर ये अरे बजा दो यार तालियां, मतलब ठीक है गर्मी ज्यादा पड़ रही है लेकिन बजा दो तालियां, जोरदार तालियां बजा दो, और पीछे वाले तो सपना मुंह खोल के खड़े, बस ऐसे ताली बजा दो यार, देख रहे हैं। हाँ, ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।